वक्ता भागवत के आद्य व्यास जो साक्षी है, देव साक्षी, युग साक्षी, कर्म साक्षी, काल साक्षी, अरे कमाल है, कहते इस साक्षी कोई ईश्वर का भी गवाह होता है। शिव के लिए कहा गया है, सदा शिव के लिए, महादेव के लिए कहा गया है, शिव शक्ता युक्तो यदि भवति प्रभुतुम, वो शिव महाशिव, उसके लिए कहा गया, वो देव साक्षी है, कर्म साक्षी है, काल साक्षी है और ईश साक्षी है, वो ईश्वर का भी गवाह है, ईश्वर के होने से पहले वो था। और एक और नाम है उनका, स्वयं साक्षी, वो अपना भी गवाह है। ये जितने जो हुए बड़े बड़े देवता, काल, कर्म और ईश्वर, ईश साक्षी, वो ईश्वर का भी गवाह है। जब सृष्टि का उत्पादन, यहां कोई सृजन, कोई एक अणु का विस्फोट, महाविस्फोट जब हुआ, विज्ञान यही कहता है, हमारा वेद भी यही कहता है, एक अणु में भयानक कोई विस्फोट हुआ, उसी में से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और एक नन्हे से वाष्प कण के करोड़वें हिस्से का एक कोई एक नन्ना सा धूल कण जो न दिखाई दे नग्न आंखों से, उसके करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों हिस्से का एक कोई धूल का एक डस्ट का स्मॉल पार्टिकल अरबों खरबों हिस्से में उसे बांट दें, उससे भी कहीं एक नन्ना, उसमें से सृष्टि बनी। वटस्य पत्रे पुटे शयानम बालम मुकुंदम, वटस्य पत्रे पुटे शयानम, मार्कंडे ने देखा कि वो छोटा सा नन्ना सा अबोध शिशु बना हुआ, वटस्य पत्रे, लेकिन उससे पहले जब शिव का तृतीय नेत्र उसमें किंचित कंपन होता है, संपूर्ण दिशाएं, धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, एक नन्ना 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 छोटा सा एक वाष्प कण, एक नन्ना सा वाष्प माने वाष्प, अरे भाप, भाप के भी कोई कण होते हैं क्या, भाप का तो कोई कण नहीं होता, उसमें से भी एक खरबों का एक नन्ना सा हिस्सा, उसमें से कई ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, वो उसका वो साक्षी था उस समय, उसका साक्षी था, उसका गवाह था, वो देव साक्षी, कर्म साक्षी और ईश साक्षी, ईश्वर का गवाह, और कहते हैं स्वयं साक्षी, अमरता का वो साक्षी है, अमरता का। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को, अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।